प्रज्ञा झा स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सबका अपने किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ सूप, क्योंकि मॉनसून का समय है और बारिश का मौसम हो उसमें गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं टोमेटो का सूप। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी बनाई हुई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। टोमेटो का सूप बनाने के लिए मैंने लिया है 6 से 7 टमाटर, लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है, गार्निश करने के लिए पुदीने का पत्ता, क्रीम, लौंग, दालचीनी, 1 चम्मच बटर, 1 तेज पत्ता, पेपर ले लिया है, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब हम इस पैन में 1 चम्मच बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर हमारा मेल्ट कर गया है, अब हम इसमें 1 तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग डाल देंगे। तो थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। चला लेंगे और नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। 6 मिनट हो चुका है, अब हम कवर को हटाएंगे, एक बार चला लेंगे। टमाटर हमारा पक गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो गया है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और तेज पत्ते को हटा देंगे। टमाटर का हमने प्योरी बना लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। अच्छे से इसको छान लिया है, अब हम इसको दोबारा कढ़ाई में डालेंगे। अब हम इस मिक्सचर को कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे इसमें, बाउल में पानी डाल के, और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और चीनी डालेंगे। चीनी 1/4 चम्मच डालेंगे, ये इसमें ऑप्शनल है, पर इसको डालने से सूप का टेस्ट अच्छा आता है। नमक डाल दिया और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेते हैं। 3 मिनट हमारा हो चुका है, सूप में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पेपर डाल देंगे और कॉर्नफ्लोर का जो घोल हमने बना के रखा है वो भी 3 चम्मच के लिए डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो बिना उसके भी आप बना सकते हैं। और 1 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। सूप हमारा बंद करके तैयार हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और निकाल लेंगे। टोमेटो सूप हमारा बंद करके तैयार हो चुका है, अब हम इसको क्रीम से गार्निश कर लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप बनकर के तैयार हो चुका है।